हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 का ही संपू परिच्छेद का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है परवलय, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, और पॉसिबल हुआ तो कुछ इसके कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन लगने वाले होंगे उसे भी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है, यहाँ पे ये बना हुआ है परवलय का कुछ इमेज। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि परवलय तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित जो रेखा पर स्थित नहीं ऐसे समान दूरी पर होता है। मतलब एक फिक्स पॉइंट से और एक लाइन से हम कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करें जो हमेशा सेम डिस्टेंस पे हो, तो उसी कॉन्सेप्ट को। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने एक कोई फिक्स लाइन ले लिया और एक फिक्स पॉइंट ले लिया, रिलेशन इसी में निकालना है। तो हमने एक रैंडम किसी पॉइंट से ये लाइन स्ट्रेट ले गए, फिर किसी पॉइंट से बेंड कर दिए यहाँ पे, फिर एक लाइन ले गए फिर बेंड किए, फिर लाइन ले गए फिर बेंड किए। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन बन के आएगा वो बन के आएगा क्या, जो पी एफ का डिस्टेंस है, पी वन एफ का डिस्टेंस है और पी वन बी वन के इक्वल हो जाएगा। फिर पी टू एफ का जो डिस्टेंस है, यानी इसे हम लिखेंगे पी वन एफ इज इक्वल टू बी पी वन बी वन, पी वन बी वन। सिमिलरली यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि परवलय उन बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से समान दूरी पे होता है। तो निश्चित बिंदु ये है और निश्चित रेखा ये है। तो निश्चित बिंदु से ये परवलय आपका इस तरीके से जा रहा है। अगर नॉर्मल हम बात करें तो ये बन कैसे रहा है, देखो एक हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन लिया किसी बिंदु पे ले गए, फिर हमने ये दूसरा लाइन लिया, फिर इस चीज सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे ले गए, ठीक है। अब आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को। फिर हमने एक लाइन लिया और ये जो है कुछ इस तरीके से एक फिक्स पॉइंट पे ले जाइए, यहाँ पे ले गए और फिर मान लीजिए यहाँ पे। अब इन्हीं सारे डॉट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इन्हीं डॉट को क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, तो ये परवलय बन के आएगा। तो वही बोला है कि निश्चित बिंदु और यहाँ पे जो लाइन से जहां से जा रहा है इसे कह रहे हैं निश्चित रेखा से क्या होता है, समान दूरी पे होता है। तो यही कॉन्सेप्ट बन के आता है कि ये जो पैराबोला पे जो पॉइंट है वहां से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी, यहाँ इसमें भले से देखने में आपको लग रहा है ज्यादा, मैं तो रैंडमली ये बनाया हूँ, लेकिन एक होता है नियम कि ये जो पी वन बी एफ के बीच की दूरी और पी वन बी वन सेम होगा, यानी कि इस लाइन से इस पैराबोला पे जो डिस्टेंस आएगा वही इस पैराबोला से इस फिक्स बिंदु के बीच की दूरी आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ जो फॉर्म होता है ये जो पॉइंट को डॉट को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, P2F लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, P2B2 के। और फिर P3F किसके बराबर हो जाएगा, P3F बराबर होगा P3B3 के। अब एक एक पॉइंट समझते हैं, ये बन गया पैराबोला। इतना समझ आ गया कि पैराबोला उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है, उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो किसी निश्चित बिंदु से और किसी निश्चित रेखा से समान दूरी पे होता है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये तो पैराबोला बन गया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट और जनरेट हो रहा है ये समझ लेते हैं। अब यहां से समझना है कि जो नाभि से होके लाइन पास होता है उसे अक्ष कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये जहां भी ये पॉइंट है जो निश्चित बिंदु है, इस बिंदु को हम एफ कहते हैं, फोकस हिंदी में नाभि बोला जाता है, ठीक है। और इस नाभि से जो होके जाता है उसे हम अक्ष कहते हैं। क्या क्या समझ आ गया कि जो फिक्स बिंदु है उसे नाभि कहते हैं और यहां से जो होके जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अक्ष कहते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे जहां ये जो फिक्स लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं नियता। क्या कहते हैं बाबू, नियता कहते हैं। और ये जो है ये लाइन है और जो फोकस से होके जा रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या क्या समझ आ गया, ये नियता बोला जाएगा, इसे नाभि कहेंगे जहां पे सारे बिंदु आके मिल रहे हैं, और ये जो है यहाँ से होके शीर्ष और जो नाभि से होके जो लाइन जा रहे है उसे अक्ष कह रहे हैं, बाकी ये सारा पॉइंट है। और एक फिक्स बिंदु से और एक फिक्स
एक निश्चित बिंदु से और एक निश्चित लाइन से ये जो पैराबोला होता है समान सदैव दूरी पे होता है, यही पैराबोला का इतना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपका फोकस हो गया, मतलब कि नाभि शीर्ष नियता इसे बोलते हैं और ये बोला जाता है अक्ष, ठीक है। तो फिर अभी थोड़ा से कॉन्सेप्ट अभी ये है, फिर आगे और समझते हैं कि ये इसका मानक रूप क्या होता है और पैराबोला का कितने फॉर्मेट होते हैं, कितने रूप होते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा है कि परवलय का कॉन्सेप्ट क्या होता है और परवलय कैसे बनता है, ठीक है। परवलय क्या होता है, अब परवलय का प्रमाणिक समीकरण, अगर प्रमाणिक के जगह पे मानक दे दे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर आपने मानक को नाम तो लिया ही नहीं था। तो प्रमाणिक एनसीईआरटी में लिखा है उसका मतलब होता है मानक समीकरण। जैसे क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था तो द्विघात समीकरण का मानक रूप या दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप, वैसे ही यहाँ पे परवलय के भी मानक रूप होते हैं, लेकिन टोटल चार कंडीशन होता है। परवलय में कितने कंडीशन होते हैं, चार कंडीशन। पहला कंडीशन होगा कि जब परवलय एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला हुआ हो, जब परवलय एक्स एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में खुला हुआ हो, जब परवलय वाई एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला हो और जब परवलय वाई एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में खुला हो, तो उस कंडीशन में उसका फोकस क्या होगा और जो आपका नियता है उसका क्या समीकरण होगा, ठीक है। शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, आपको याद रखना है, बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो। आपको याद क्या करना है, जब एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे खुला है तो वाई का स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोला हूं, जब पैराबोला एक्स अक्ष के किसी डायरेक्शन में खुला हो, चाहे ऋणात्मक चाहे धनात्मक, तो ये समझ लीजिए दोनों में वाई स्क्वायर आएगा। और इसी का उल्टा, जब परवलय आपके वाई एक्स के धनात्मक या वाई एक्स के ऋणात्मक डायरेक्शन में जब खुला हो, तो ये समझ लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो पहले हम पहले को समझते हैं कि जब परवलय, परवलय का शीर्ष जो है वो मूल बिंदु है। यहाँ पे जितने भी परवलय है स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बनाए गए हैं, मानक रूप की बात हो रही है, तो हर कंडीशन में यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, आपसे पूछा जाए कि इस अगर मानक रूप में शीर्ष क्या होता है, तो चारों के चारों का जो शीर्ष आएगा, चूंकि मूल बिंदु शीर्ष लिया गया है, तो 0.0 आएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें फोकस का, ये है फोकस। तो फोकस आप 1.0 का मतलब ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे इसका फोकस ए डिस्टेंस पे है, चूंकि वाई एक्स पे कुछ नहीं लिया तो 1.0 हो गया, ये फोकस हो गया। नियता का समीकरण आपको पता है कि अगर यहां से ए डिस्टेंस पे है तो पीछे भी ए डिस्टेंस पे है, तो चूंकि इधर निगेटिव होता है इसलिए नियता का जो समीकरण आता है एक्स माइनस ए, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है याद रखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आपको अगर ऐसे पैराबोला खुला हुआ दिखाई देगा तो याद रखेंगे इसका मानक रूप होता है वाई बराबर 4ax। ये क्या होता है, ये होता है शीर्ष से, ये बोलते हैं नाभि की दूरी, शीर्ष से नाभि की दूरी, फोकस इसलिए आ गया 1.0। आपको दो चीज याद रखना है इसमें, दो क्या और भी आप बता सकते हैं, आपसे पूछा जाए वाई स्क्वायर 4ax का कोई है तो उसका शीर्ष क्या होगा, तो 0.0 उसका शीर्ष क्या हो जाएगा, आपका 0.0 हो जाएगा। और फिर बात करें फोकस क्या होगा इसका, 1.0, और इसका समीकरण तो पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और नियता का समीकरण इस कंडीशन में हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये पहला कंडीशन है। ऐसे दूसरे कंडीशन की बात करें, जब पैराबोला किधर खुला हो, एक्स एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सबसे पहले उसका याद रखेंगे जब ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इधर जाएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 4ax। तो जब ये मुंह इधर खुला है तो नियता पीछे हो जाएगा, जब माइनस ए चूंकि नेगेटिव में इसलिए इसका फोकस हो गया माइनस 1.0, तो नियता का समीकरण। अब यहाँ लॉजिक से याद करना है चीजों को, ज्यादा रटने वाली चीज नहीं, जब ए है तो ये नियता होगा एक्स माइनस ए, ठीक है, और जब ये माइनस इधर है फोकस, तो इसका नियता हो जाएगा एक्स बराबर ए, और समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 4ax। आप लोग को कोई डाउट तो नहीं, आगे चलें। चलिए तीसरे पे चलते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। तीसरा है, अब जब ये खुल रहा है वाई एक्स के किस डायरेक्शन में, वाई एक्स के पॉजिटिव धनात्मक दिशा में। तो देखो, कई लोग अगर ऐसे आपसे कह दें कि क्या सर मैं इसे 0.b ले लूं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये तो जस्ट एक वेरिएबल है, बस ये बता रहा है कि 1.0 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 0, एक्स पे कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, और वाई पे कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो वाई पे ये 0.a का मतलब ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में खुला हुआ है, तो इसका फोकस चूंकि ए डिस्टेंस लिया 1.0 है।
अब बस उल्टा इसी के दोनों का उल्टा ये दोनों पार्ट है, क्या है इसका समीकरण है x स्क्वायर बराबर 4ay, और जब फोकस a कोमा 0 है तो नियता का समीकरण y बराबर माइनस है, सिमिलर है जब इधर प्लस है तो उससे सेम दूरी पे माइनस में जाएंगे तो माइनस ही हो गया, ये नियता का समीकरण आ गया। इसका भी शीर्ष पूछे तो अब क्या बताएंगे वही 0,0। और फिर ये चौथा लास्ट कंडीशन है जब नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या आप तो बताइए इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकता है क्या, यही ना होगा पैराबोला, या तो इधर खुलेगा मतलब पॉजिटिव में या नेगेटिव में या ऊपर की तरफ या नीचे, ये तो चार कंडीशन है। तो अब चौथा और लास्ट कंडीशन इसका समीकरण है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, इसका शीर्ष 0,0, फोकस यानी नाभि e कॉमा मतलब 0,-a, और आपका जो इसका नियता का समीकरण हो जाएगा क्योंकि जब ये फोकस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा y बराबर e हो जाएगा। तो टोटल मैं एक पास और लिख दूं, पहला जो कंडीशन होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा जो कंडीशन होता है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। तो याद रखेंगे जब ये धनात्मक दिशा में y x पे खुला है, y x के ऋणात्मक दिशा में खुला है, तीसरा कंडीशन है जब x स्क्वायर बराबर 4ay, इससे समझ जाएंगे अगर ये पॉजिटिव है तो y x के धनात्मक में खुला है, और चौथा और लास्ट कंडीशन x स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay। तो ये है, तो ये चारों कंडीशन है, चारों फार्मूला याद कर लीजिए, और एक कंडीशन और बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं, नाभिलंब की लंबाई और कुछ समीकरण रिलेटेड है, फिर जाके हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो वीडियो को रोक करके पहले नोट कर लीजिए, और उम्मीद यही है कि आप लोग को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, चारों पैराबोला का कंडीशन और उसका शीर्ष और नाभि नाभि नियता का समीकरण समझ आ गया होगा, ठीक है नोट कर लीजिए। इस टॉपिक से जो एक कॉन्सेप्ट हमें छूटा था वो परवलय का नाभिलंब जीवा था, क्या था परवलय का नाभिलंब जीवा। तो हम एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के रिलेटेड बात करेंगे, बाकी सिमिलर ऐसे ही सब में होता है। देखिए हम बात करेंगे नाभिलंब का, तो नाभिलंब क्या होता है, सीधी सी बात है लंब जब होता है तो किसी पॉइंट से जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं नाभिलंब कहते हैं। तो ये बताओ जब ये नाभि ये है तो यहाँ से अगर कोई ऐसी लाइन जा रही है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते जा रही है तो उसे ही कहते हैं नाभिलंब। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इस डिस्टेंस को हम कहते हैं नाभिलंब, क्या कहते हैं नाभिलंब। क्वेश्चन में आपसे अभी ये भी आपसे दिमाग में हो सकता है क्या पूछेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे दिया, अब इतना सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, अब इससे क्या क्या पूछा जाएगा ध्यान से सुनेंगे, कहेगा कि इस परवलय का शीर्ष बताइए, पहला क्वेश्चन परवलय का शीर्ष, फिर क्या कहेगा नाभिलंब, तो नाभिलंब ये आ गया। तो याद रखेंगे नाभिलंब की लंबाई जो होती है यहाँ पे बताया गया इमेज बना कि नाभिलंब है और ये नाभि है, ए और बी यहाँ पे नाभिलंब है, फोकस इसका ए 0 है। तो याद रखेंगे चाहे कोई भी फॉर्मेट हो सब में आपको नाभिलंब याद कर लेना है, चाहे पैराबोला का कोई भी रूप है नाभिलंब मतलब यहाँ इधर है, अगर ए एक्स एक्सिस पे होता तो इस डायरेक्शन में नाभिलंब बनता है, यानी नाभि से जो 90 डिग्री का एंगल बनाए लाइन, और लाइन है तो स्ट्रेट होगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे चाहे कोई भी फॉर्मेट हो कोई भी पैराबोला का मानक रूप है नाभिलंब की लंबाई 4a होगा, और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाभिलंब का समीकरण। तो अब ये बताओ नाभिलंब का समीकरण का मतलब क्या होगा, बात अगर हम करें तो अगर ये लाइन देखे तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो चाहे ये लाइन निकालें और चाहे ये लाइन निकालें दोनों सेम हुआ, तो इसलिए इसी का जो समीकरण होता है वही नाभिलंब का क्या हो जाता है समीकरण, जो नियता का समीकरण होता है। तो x बराबर ये होगा, अगर ये माइनस में आएगा तो x बराबर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नाभिलंब की लंबाई में हर कंडीशन में 4a लेना है, और नाभिलंब का समीकरण जो नियता का समीकरण है सारे कंडीशन में नियता का समीकरण लेना है। एक बार मैं और फिर बता दूं क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका शीर्ष बताइए, इसका नाभिलंब की लंबाई बताइए, नियता का समीकरण बताइए, इसका फोकस यानी कि नाभि बताइए क्या होगा, इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन मतलब इस जो समीकरण है पैराबोला से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पहले एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो चलिए सीधे वहीं कुछ क्वेश्चन लेते हैं और वहां से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी दोस्तों के साथ करते रहें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट
और आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करें, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े उसका यूज करने का टाइम आ गया है, अपने शक्तियों को इस्तेमाल अब करना है जो भी चीजें पढ़ा दी गई है। तो ये क्वेश्चन पहला है, क्या क्या निकालना है इसमें। क्वेश्चन में आपका कह रहा है, पहले मैं पढ़ दूंगा, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभिक के निर्देशांक परवलय का अक्षीयता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सारी चीजें निकल जाएगी। अब देखो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो सबसे पहले दिमाग में रख लेंगे फॉर्मेट फोर एक्स यहाँ माइनस होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, ये 4 कंडीशन है। तो आप कंपेयर करके आप लोग बताइए अभी जो है क्लास में ये कौन से फॉर्मेट में, चारों में से मैं कौन सा लूँ। पहला ही तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी है 12 चाहे जो भी है, लेकिन पॉजिटिव की बात हो रही है ना, और वाई स्क्वायर है तो यानी पहले फॉर्मेट में बदले। तो इसे हमने लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। अब लिखेंगे y बराबर 4ax से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे बाबू y स्क्वायर से y स्क्वायर, जैसे आप पिछले प्रीवियस में कोफिशियंट का तुलना करते थे सेम वही प्रोसेस है, लेकिन 4x कांस्टेंट हमेशा लेना है यहाँ पे, वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स से एक्स, मतलब कैंसिल नहीं होता, कंपेयर की बात हो रही है। तो ए का जब कंपेयर करेंगे तो ए क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिख देंगे ए इक्वल टू 3। तो अगर मैं पहला पूछ लूं आपसे अक्ष इसका क्या होगा, तो आप बच्चा पार्टी बताइए इसका अक्ष क्या है, एक्स अक्ष है कि वाई अक्ष है। पहले का क्या है इस फॉर्मेट में, तो वाई एक्स के धनात्मक दिशा में, लेकिन ये नहीं पता ना है धनात्मक ऋणात्मक से तो मतलब नहीं है, तो अक्ष इसकी बात करें तो एक्स अक्ष होगा। यस ठीक है, और आगे हम बात करें कोई बात नहीं, आवाज आप लोग को भी आ सकती है। तो अक्ष निकल गया, चलिए पढ़ते हैं नाभिक के निर्देशांक। तो नाभि इसका निकाल लीजिए, नाभि आपको याद होगा क्या होता है, ए कॉमा जीरो इस फॉर्मेट में होता है, तो क्या होता है बाबू ए कॉमा जीरो, ए की वैल्यू क्या है 3, 0, क्या क्या निकल गया, अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, नाभि हो गया। फिर आगे क्या पूछा है, परवलय का अक्ष, ये हो गया, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। चलिए राहुल आप बताइए क्या आएगा नियता का समीकरण इस कंडीशन में, क्या बताया गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, जब ये प्लस है तो नियता क्या होगा माइनस। अब वैल्यू रखो बाबू ए की, ए है माइनस 3, तो चाहो इधर भेज दो तो माइनस है तो प्लस 3, नियता का ये क्या आ गया आपका समीकरण। कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं है, आप लोग को भी होगा तो बताएंगे कमेंट में। ठीक है आगे देखते हैं क्या पूछा है, निर्देशांक हो गया, परवलय का अक्ष हो गया, नियता का समीकरण हो गया, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो लिख लेंगे नाभिलंब पूछा हुआ है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो चाहे फॉर्मेट कोई भी है, मैंने अभी बताया है नाभिलंब जीवा की लंबाई हर एक कंडीशन में 4a होता है, क्या होता है 4a होता है बस। तो रख दीजिए यहाँ पे 4 इंटू ए की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 12, और चाहे तो क्या लिख सकते हैं मात्रक लिख सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में पूछा था वो सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है, इसी तरीके से इसे पहले नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम और कवर करेंगे ताकि जो कंटिन्यूटी है कि पूरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको समझ आ जाए। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन और डिटेल में समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही है, अगर आपसे पूछा जाए कंपेयर फिर करिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो इस सब में कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं तीसरे फॉर्मेट का, यानी y x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अक्ष तो वैसे ही पता चल गया तुरंत कि y x होगा, बाकी अब है तो 4ay बनाना है, तो बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हमें चाहिए, बाकी 6 कैसे आएगा उसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ अभी। आपको 4 चाहिए, ले लिए 4 आप, अब हमें यहाँ 6 लाना है, तो अगर यहाँ 4 है
और नीचे अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, फोर है, अगर यहाँ पे हम थ्री ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, टू ले लें। ध्यान से समझना बात को, अगर हम 3/2 लेते हैं तो 2 1 2 2 2 4 और फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, 6। इसलिए हमें b बनाने के लिए और इस फॉर्मेट में बनाने के लिए 3/2 लेना पड़ रहा है। मतलब थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे कि हम कैसे 4ay बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 × y। अब लिखेंगे x²=4ay से तुलना करने पर एक और तरीका है, उससे भी हम लोग ये सब झंझट से बच सकते हैं। अभी मैं उसको भी बता देता हूं कि अगर आप नहीं ये कर पा रहे हैं तो क्या, ठीक है। यहाँ पे x² से x² कंपेयर में खत्म, 4 से 4 समाप्त हो गया, y से y, तो देयर फोर बात करोगे वो a की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, a की वैल्यू 3/2। तो पहले पूछा था नाभि, तो लिख लेते हैं नाभि क्या होगा इस कंडीशन में, 0, a, ये ध्यान से लिखना है, 0, a की वैल्यू है 3/2, ठीक है। अक्ष पूछा है तो अक्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अक्ष, किस पे खुलेगा ये पैराबोला, वाई अक्ष पे। और क्या पूछा बच्चा, नियता का समीकरण शायद पूछा हुआ है, क्या पूछा है, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो लिखेंगे नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण इस कंडीशन में होता है, जब x है तो y = -a। अब वैल्यू जब रखेंगे माइनस ए की जगह पे 3/2 इधर ला दीजिए, तो y+3/2=0। और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का y में मल्टीप्लाई करेंगे, 2y+3 1 3=0। तो आंसर जो दिया होगा उसके अनुसार आप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y+3 और 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो या तो ये आंसर दिया होगा या तो फिर ये कोई दोनों में से दिया होगा, आप चेक कर लेंगे। तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो ये क्या होता है 4a, a की वैल्यू क्या है 6, 3/2, तो ये काट देंगे, सॉरी 3/2 है ना, और ये 4a की वैल्यू 3/2, 2 3 जा कितना आ गया 6 आ गया, और कुछ तो छूट नहीं रहा। नहीं, तो यही आपको इतने कॉन्सेप्ट, और अगर इसका एक और लॉजिक हम निकाल लें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें कंपेयर करना है 4ay है और ये 6y है, ठीक है। तो y से y को काट दो, y से y को क्या करो, काट दो, ये मैं दूसरा अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, पार्टी 4a = 6, अब काट दो, 2 2 4 2 3 6, 2 नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू 3/2। तो अगर आपको ये इजी लगे निकालना तो ऐसे ही कर लीजिएगा, अगर ये इजी लगे तो ऐसे, मैं दोनों मेथड बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा, एंटरटेनमेंट किए होंगे पढ़ाई के साथ, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बोर होके पढ़ना, सीरियस होके पढ़ना, बस कॉन्सेप्ट को जब तक पढ़िए ध्यान से समझिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में ऐसे ही नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।